हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच में डॉक्टर एन के शर्मा, एन के एस लर्निंग कैंपस में। आज आप लोगों की बहुत इच्छा थी कि जनसंख्या नगरीकरण पर पेपर सॉल्व करवाएं, तो आज मैं सॉल्व करवाने जा रहे हैं। और वास्तव में जनसंख्या नगरीकरण कोई भी पेपर हो, उत्तर प्रदेश का हो, तो वहाँ तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे चाहे पीसीएस हो, चाहे समीक्षाधिकारी हो, या अन वन डे एग्जाम, यहाँ तक कि आईएएस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम बताने जा रहे हैं जनसंख्या नगरीकरण में कैसे प्रश्न विगत वर्ष में आए हुए हैं। तो ये मेरे साथ जुड़े रहिए, देखिए मैं पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो ये है जनसंख्या नगरीकरण। तो जनसंख्या नगरीकरण में दिया है कि पहला क्वेश्चन दिया है, शीर्ष लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है। अब शीर्ष लिंगा अनुपात वाला यहाँ क्या पूछा गया, जिला। तो जिले की बात अगर कहें तो माहे दिया है, अल्मोड़ा दिया, दमन दिया और ले दिया। तो शीर्ष वाली बात करें तो ये माहे लगा के आएंगे, ये चीज याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शीर्ष लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है। केंद्र शासित राज्य की बात कर रहा है, तो यहाँ दिया है लक्षद्वीप दिया है, पुदुचेरी दिया है, पुडुचेरी, अंडमान दिया है, चंडीगढ़। अब देखो शीर्ष लिंगानुपात वाला है और राज्य पूछ रहा है केंद्र शासित वाला, तो अंडमान लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि शीर्ष लिंगानुपात वाला है ना राज्य कौन। अब देखो यहाँ टिक करो, राज्य कौन सा है। अब राज्य की बात कर रहा है, तो राज्य में दिया है कि तमिलनाडु दिया है, आंध्र प्रदेश दिया है, छत्तीसगढ़ दिया है, मेघालय दिया है। याद रखना केरल, केरल के बाद क्या आएगा, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आ जाएगा, और तीसरे नंबर पर ये आंध्र प्रदेश आ जाएगा, और चौथे नंबर पर ये आ जाता। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर केरल नहीं दिया है, तो ऑप्शन यही राइट हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक याद रखना कि तमिलनाडु क्योंकि केरल नहीं है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, दिया है सिक्किम दिया है, पंजाब दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है, इनमें से कोई नहीं। और न्यूनतम लिंगानुपात वाली बात करें तो सिक्किम है। और सबसे सिक्किम अगर वैसे बात करते राज्य की, तो हरियाणा है। अब हरियाणा के बाद अगर देखा जाए तो सिक्किम आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। शीर्ष लिंगानुपात वाला 0 से 6, अब याद ध्यान देना, यहाँ पर 0 से 6 की बात कर रहा है। तो 0 से 6 की बात अगर कभी पूछे केंद्र शासित राज्य में कौन सा है, तो दिया अंडमान निकोबार दिया है, पाण्डिचेरी दिया है, दिल्ली दिया है, दमनदीव दिया है। तो याद रखना कि ये अंडमान हो जाए, कौन सा हो जाएगा, अंडमान हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया अगला क्वेश्चन कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला 0 से 6 केंद्र शासित वाला राज्य कौन सा है, दिया है चंडीगढ़ दिया है, दमनदीव दिया है, चंडीगढ़ फिर दिया, फिर इसके दिल्ली दिया। तो याद रखना कि न्यूनतम वाली बात करें कि न्यूनतम, तब ये दिल्ली लगाना, कौन सा लगाएंगे, राइट क्वेश्चन तुम्हारा दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पुरुष साक्षरता, देखो पुरुष की साक्षरता पूछ रहा 2011 में कितनी है। तो यहाँ दिया है 80.9 दिया है, 80.5 दिया है, 80.7 दिया है, 80.8 दिया है। तो याद रखना ये 80.9 हो जाएगी, ठीक है। और वैसे साक्षरता कितनी है, तो 73% है भारत की, ठीक है। तो ये चीज, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। अब दिया है गोवा दिया है, मिजोरम दिया है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो याद रखना कि सबसे ज्यादा गोवा हो जाए, गोवा की मिजोरम फिर हिमाचल प्रदेश। तो याद रखना गोवा, ये देखो नंबर एक क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा, और केरल के बाद मिजोरम होगा, याद रखना मिजोरम। तो ये मिजोरम आ गया, राइट आंसर क्या होगा, तो मिजोरम होगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। अब दिया गोवा दिया है, त्रिपुरा दिया है, हिमाचल प्रदेश दिया है, तो झारखंड दिया है। सर्वाधिक महिला साक्षरता पूछ रहा है, तो ध्यान देना, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता अगर पूछा जाए तो गोवा लगा के आएंगे, क्या लगाएंगे, गोवा। अगला क्वेश्चन कि सर्वाधिक महिला साक्षरता, अच्छा ये हो गया।
हाँ, दसवां क्वेश्चन, देखिए भाई, दसवां क्वेश्चन, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता पूछा जाए तो गोवा दिया है, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा दिया, मेघालय दिया। तो सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो पुरुष वाली बात तो गोवा लगाएंगे। न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम अगर स्त्री साक्षरता की बात करते हैं तो राजस्थान हो जाएगा। अगर यहाँ पर बिहार होता तो बिहार हो जाता, लेकिन बिहार नहीं है तब फिर राजस्थान हो जाएगा, है ना? बिहार नहीं दिया है तो इस वजह से ये रास्ता आंसर तुम्हारा राइट है। झारखंड में, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश, फिर मेघालय। तो यही राइट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? देखो, आज वास्तु में जनसंख्या घनत्व अगर देखा जाए, 2001 में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल की थी, फिर इसके बाद किसकी थी? बिहार की थी, फिर किसकी थी? केरल की थी, फिर किसकी थी? उत्तर प्रदेश की। लेकिन 2011 की बात करते हैं कि 2011 में शीर्ष जनसंख्या घनत्व क्या है? तो यहाँ 2011 तो शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाला, यहाँ ऑप्शन में 2000 अगर 11 डालेंगे तो इसमें कौन हो जाएगा? हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल, बिहार, तो बिहार हो जाएगा। अब यहीं पर अगर हम 2001 डाल देते, अगर एक डाल देते तब कौन हो जाता? तो 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल, और 2011 के अनुसार क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, किसकी? उत्तर प्रदेश की। तो बनारस दिया, गाजियाबाद दिया, कानपुर दिया, लखनऊ दिया। अब यहाँ पर 2011 की बात है तो 2011 में अगर बात करेंगे तो किसकी हो जाएगी? तो गाजियाबाद हो जाएगी। अगर यही 2001 की बात करते तो कौन हो जाता? तो बनारस हो जाता। दोनों चीजें याद रखना, ठीक है? फिर दिया है उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? अब यहाँ न्यूनतम पूछा गया है ना? न्यूनतम वाली बात करें तो ललितपुर है, सोनभद्र दिया, इसके लखनऊ दिया, बनारस दिया। तो नंबर एक पर ललितपुर है, नंबर दो पर सोनभद्र, पहले पे ये है और दूसरे पे ये है, ठीक है? अगला और लास्ट क्वेश्चन दिया है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश दिया है, नागालैंड दिया है, सिक्किम दिया है, मिजोरम दिया है। अब न्यूनतम की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है? तो आज ये मेरे प्रश्न रहे जनसंख्या नगरीकरण पर, और जुड़े रहिए मेरे साथ। अभी हम बहुत क्वेश्चन लाएंगे जनसंख्या नगरीकरण पर, और जनसंख्या नगरीकरण मैं वादा करता हूँ कि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बस जुड़े रहिए, पेपर मेरे साथ सॉल्व करिए। अभी आपके बीच में हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लाएंगे। तो ठीक है मित्रों, अगली वीडियो में पुनः हम आपके साथ नए क्वेश्चन के साथ आएंगे, ठीक है? मिलते हैं।